नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26th of March 2021 के बारे में। 26 मार्च 2021 आप सभी के लिए कैसा रहेगा, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें आप सभी को करनी है और क्या चीज़ें करने से आप सभी को बचना है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। 26 मार्च 2021 क्या कहता है एनर्जी बूस्टर IAS के बारे में जानते हैं। पहला नंबर जो आपके पास आता है दोस्तों, वो आता है 26, 6+2 नंबर 8। कंबाइंड कैलकुलेशन जब हम करेंगे दोस्तों तो क्या आता है, 8+5 13+3 16, 6+1 7। नंबर 8 यहाँ पर शनि सैटर्न का नंबर, नंबर 7 यहाँ पर केतु का नंबर। ये जो दिन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अपने आप को अंदर से मजबूत करने का दिन है। मतलब कि वो कहते हैं ना, कभी कभार कि इंसान को चोट लगती है उसके बाद वो सीखता है। तो ग्रहों और नक्षत्रों की कैलकुलेशन के आधार पर देखा जाए तो ये दिन आपका नुकसान तो कराएगा ही कराएगा, पर कहीं ना कहीं आपको एक लेसन सिखा देगा, ऐसे चांसेस यहां पर बनते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर होता हुआ देखेंगे। एक एक इल्यूजन है वो इल्यूजन आपको हटता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसे चांसेस आपके बन सकते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं जिससे कि आपको पता चले कि रियलिटी क्या है। हो सकता है कि आप किसी पर्सन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और आज के दिन आपको पता चलेगा कि यार ये पर्सन तो ट्रस्टेबल है ही नहीं, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होते हुए दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर ये जो दिन रहेगा ये आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ रहा है। मतलब कि कुछ अच्छा, जो मन को सुकून देने वाला, जो मन को खुशी देने वाला कुछ ऐसा भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं एनवायरनमेंट को देखकर, कोरोना के केसेस को देखकर, या किसी भी तरह से आप बहुत ज़्यादा विचलित से हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिन आपको थोड़ी सी खुशी ज़रूर दे सकता है, थोड़ा सा आपको एक अच्छा नेचर यहाँ पर ज़रूर दे सकता है। आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपने आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने की ज़रूरत है, अपने आप में बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है और कोशिश करिएगा कि जितना आराम से, जितना पेशेंस रख के आप इस दिन को निकालेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर जल्दबाजी करके या बहुत जल्दी जल्दी में सारा काम निपटा के करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिन आपको नुकसान दे सकता है, ऐसी क्लियर कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा ये जो दिन रहेगा दोस्तों, ये आपको कुछ सिखाने का और साथ ही साथ आपको नई एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करने का भी यहाँ पर दिन है। मतलब कि दिमाग में अगर कुछ भी आ रहा है कि मुझे यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो तुरंत आप उसको ऑब्जर्व करिए और उस पर काम शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आप उसमें काम कर सकते हैं तो बेशक आपको उस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए, ये आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद यहाँ पर रहेगा। देश और दुनिया के लिए अगर बात करें दोस्तों, तो देश और दुनिया के लिए ये दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं दिखाता। देश और दुनिया में और भारत के लिए भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा परेशानी हो, हमारा दिल थोड़ा सा परेशान हो, कुछ ऐसी घटनाएँ हमें दिखाई देती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो उत्तर दिशा की तरफ कुछ हलचल यहाँ पर होते हुए दिखाई देती है। उत्तर दिशा से कोई नेगेटिव न्यूज़ हमें सुनने को मिल सकती है, ऐसे चांसेस बनते हैं। कोरोना के केसेस की भी अगर बात करूं दोस्तों यहां पर कैलकुलेशन में, तो कोरोना के केसेस का ग्राफ जो है वो आज के दिन स्टेबल और थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ रहेगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिन आप सभी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर देगा। यहाँ पर राशियों के अनुसार अगर बात करें दोस्तों, राशियों के हिसाब से अगर बात करें तो वृषभ राशि अच्छा दिन है आपका, बहुत अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। साथ ही सिंह राशि, आपको भी थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आराम से अपने दिन को निकालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि, आपको भी कहीं ना कहीं शांत रहने की ज़रूरत है और बहुत आराम से अपना काम करते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मकर राशि, आपका भी दिन बहुत अच्छा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाकी सभी राशियों के लिए भी नॉर्मल है दिन, कहीं कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली बात नहीं है। नंबर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो नंबर 1, 2, 4 और 6 इन सभी के लिए एक तरह से दिन अच्छा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई देती। अब यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स की अगर बात कर लेते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स में आप देखिएगा ए अल्फ़ाबेट, डी अल्फ़ाबेट, एच अल्फ़ाबेट, एम अल्फ़ाबेट और एस अल्फ़ाबेट वालों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा दिन यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर
कि आपको अचूक उपाय क्या करने हैं जिससे कि ये दिन आपका और भी ज्यादा शानदार जाए, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी ना हो। अचूक उपाय में दोस्तों यहां पर दो तीन चीजें हैं जो कि मैं आपको इंडिकेट करता हूं, जो कि मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो भी मैं उपाय आपको बताता हूं, ये उपाय किसी भी कम्युनिटी के लोग कर सकते हैं। मेरे पास काफी बार सवाल आता है कि सर मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, क्या मैं आपके उपाय कर सकता हूं? बिल्कुल बेशक आप उपाय कर सकते हैं। मेरे उपायों को आप चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी कम्युनिटी से जुड़े हुए हों, आप मेरे उपायों को कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज, मेरे उपायों से जो भी मैं उपाय बताता हूं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित होते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय किसी भी तरह से तंत्र टोटकों के उपाय नहीं होते हैं, और इसीलिए आप इन उपायों को पॉजिटिव लेके पॉजिटिव चीजें करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि उपाय आपको क्या करने हैं और किस इस इन उपायों से आप किस तरह से बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल सा उपाय आपको करना है आज सभी को। आपको क्या करना है, जब सुबह आप उठेंगे, उठने के बाद स्नान आदि के बाद जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो आप वाइट चंदन का टीका जरूर लगाइएगा। वाइट चंदन का टीका अगर आप लगाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा आज आपको दे सकता है। अब बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट भी आती है कि सर वाइट चंदन हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, आप अल्टरनेटिव बता दीजिए। वैसे देखिए काफ़ी बार जब किसी चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं होता तो मैं नहीं बता पाता, बट क्योंकि आज के दिन में वाइट चंदन का अल्टरनेटिव निकल रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके घर पे वाइट चंदन नहीं है तो आप दूध या दही का टीका भी लगा सकते हैं। जी हाँ, आप या तो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप टीका लगा सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपको बहुत आसान सा उपाय बता रहा हूँ। आपको चावल बनाने हैं आज राइस बना के आपको खाना है। बहुत ही सिंपल है, राइस आराम से बना सकते हैं और आप आराम से खा सकते हैं। प्लेन व्हाइट राइस आपको बनाने हैं, ये ध्यान रखिएगा, और घी में बनाने हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके खाने से पहले कुछ हिस्सा थोड़ा सा निकाल के आप बाहर जानवरों के लिए रख दीजिएगा, चाहे आप गाय के लिए रखें, चाहे कुत्ते के लिए रखें, बट अगर आपके घर के आसपास डॉग्स रहते हैं तो उन्हें आप जरूर खिलाएं। मेरी बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर के आसपास डॉग्स रहते हैं तो उन्हें आप स्पेशली ये खिलाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ दाने आप अगर आप आपके घर के आसपास कौवे आते हैं या चिड़िया आती हैं तो आप उनके लिए भी रख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी और को खिला पाएं, किसी बच्चे को खिला पाएं वाइट चावल, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप घी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ का तड़का वड़का मत लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़े से ही बनाइए और बाकी घर के सभी मेंबर खा सकते हैं इसके बाद, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको करनी है, शाम के समय में आपको पूर्व दिशा में एक घी का दिया लगाना है। आपको बड़ा सिंपल है ये भी, शाम के समय में पूर्व दिशा में एक घी का दिया लगाना है, बस इतना सा आपको उपाय करना है। इन उपायों से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो इन उपायों से जो फ़ायदा होने वाला है वो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, बट जो मैं आपको बताऊंगा उपाय, ये जो उपाय मैंने आज आपको बताए हैं, ये आपके घर की सुख शांति के लिए और स्पेशली अगर आपका कोई काम अटक रहा है तो उसे पूरा करने में एक कदम मदद आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ऐसे चांसेस आपके ज़रूर बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये उपाय आपको अच्छा लगेगा और वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा और आपका दिन भी बहुत ही अच्छा जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।